पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर देहरादून भाजपा प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ साथ कई विधायकों और कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने गरीबों के हितों की रक्षा के लिए काम किया है। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल हमारी प्रेरणा स्रोत रहे। जानते हैं कि जिस प्रकार दीनदयाल उपाध्याय जी हम सभी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने पूरे विश्व के सामने अंत्योदय एक योजना ला के बताया कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति का हम कैसे विकास करें, आज उनको हम लोग स्मरण कर रहे हैं। पूरा देश का पूरा विश्व उनको आज स्मरण कर रहा है, और निश्चित रूप से उनके हमेशा उनके जो विचार हैं उन हमेशा हम सबके लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। मैं और हमारे तमाम लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं और अन्य लोग भी आज उनको स्मरण कर रहे हैं, ऐसी पुण्यात्मा को मेरे और मेरे तमाम लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि है। मैं अभी प्रातःकाल ही दीनदयाल जी के पार्क में गया था, मैंने वहाँ अपनी पुष्पांजलि अर्पित की है। दीनदयाल जी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं और एकात्मानव दर्शन, गरीब की चिंता करने वाला जो दृष्टिकोण आज हमारे पास है उसको देने वाले दीनदयाल जी हैं। मात्र 43 दिन दीनदयाल जी हमारे अध्यक्ष रहे, लेकिन लंबे समय तक जनसंख्या आप राष्ट्रीय महामंत्री रहे। आपका योगदान और पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो प्रेरणा है, आज हमारा दर्शन है, उस दर्शन के जनक ही दीनदयाल जी रहे हैं। आज हम उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ उपस्थित हैं।